बड़ी खबर यही है, पिक्चर बिल्कुल साफ हो चुकी है पूर्वांचल की। अगर बात की जाए और जिस तरह से ओपिनियन पोल के जो आंकड़े बता रहे हैं वो यही बताया जा रहा है कि इस बार पूर्वांचल में बीजेपी को नुकसान की संभावना है। ये आंकड़े बताया जा रहा है, बीजेपी प्लस को 63 से 59 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी गठबंधन को 39 से 45 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी के खाते में 2 ही सीटें जा रही हैं। कोई बड़ा यहां पर बीएसपी ने चमत्कार नहीं किया इस बार, ऐसी संभावना है। कांग्रेस और अन्य के खाते में भी 1-1 सीट जा रही है और ये बता रहा है कि इस बार पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। पर आइए बताते हैं आपको जल्दी से कि किस दल को कितनी सीटें मिल रही हैं, कितना नफा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस पर भी नजर डालनी जरूरी है। 2017 के मुकाबले इस बार कितना कुछ फायदा हो रहा है, तो 13 सीटों के नुकसान के साथ बीजेपी को 63 से 59 सीटें मिल सकती हैं, ऐसी पूरी संभावना है। और ये एक्सप्रेसवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पूर्वांचल की यही वो कहानी है जिसके आधार पर चुनाव हो रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो 39 से 45 सीटें मिल सकती है, बीएसपी को 2 से 5 सीटें मिलने की संभावना है। और इसके अलावा कांग्रेस का प्रदर्शन यहां भी निराशाजनक रहा है, 1 से 2 सीट सिर्फ रह सकती है, उसमें भी उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अन्य के खाते में तो वो भी 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताते हैं कि किस सीटों का अंतर कितना है,